बिग बॉस ओटीटी में कल इम्यूनिटी टास्क के दौरान घर के सबसे मजबूत कपल शमिता और राकेश के बीच हुआ झगड़ा। राकेश का सारा ध्यान जहां गेम की बजाय अपने रिलेशन को मजबूत करने में लगा है, वहीं शमिता को राकेश के साथ साथ गेम पे भी अपना दबाव बनाए रखना है। वहीं इम्यूनिटी टास्क के दौरान जहां प्रतीक ने राकेश के साथ अच्छे से बात नहीं की और राकेश को बहुत भला बुरा सुनाया था, वहीं दिव्या का उसी टास्क के दौरान शमिता और नेहा के साथ काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद शमिता राकेश से गुस्सा हो गई और कहने लगी कि कभी तो मेरा स्टैंड लो, कभी तो अपने दोस्तों के खिलाफ जाके मुझे सपोर्ट करो। शमिता ने सबके सामने राकेश को चिल्ला के अपने से दूर जाने को कहा, जो राकेश को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद किचन में राकेश शमिता से कहते हैं कि ठीक है, मैं दिव्या से बात नहीं करूंगा और तुम भी प्रतीक से बात करना बंद कर दो, उसने सबके सामने मेरा अपमान किया है। जिसके बाद शमिता उल्टा राकेश पे भड़कती है कि मैं तुम्हें 4 हफ्तों से कह रही हूं, दिव्या से बात नहीं करो और मेरी बात तो तुमने मानी नहीं और अब प्रतीक से बात करने के लिए मना कर रहे हो, जिस पे राकेश भी गुस्सा होकर कहता है कि ऐसे ऑर्डर देते हुए मुझसे बात नहीं किया करो, मैं दिव्या से क्या किसी से भी बात नहीं करूंगा। राकेश की इस बात का बुरा मान के शमिता कैमरे से छुपके काफी देर तक रोती है, जिसके बाद बिग बॉस शमिता को मेडिकल रूम में बुलाते हैं और वहां से आने के बाद शमिता राकेश से नाराज होते हुए उससे बात करना बंद कर देती है। राकेश भी काफी प्रयत्न के बाद उसे मनाना छोड़ देते हैं और इसी के चलते दोनों खाना भी नहीं खाते और दूसरे दिन यानी अभी तक बात नहीं कर रहे। तो व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, दोनों को यहां गेम को छोड़ के एक दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए?